सूर्यदेव की पूजा विधि का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, अब मैं करन्यास और अंगन्यास पूर्वक सूर्य देवता के पूजन की विधि बताऊंगा। मैं तेजो, मैं सूर्य हूं, ऐसा चिंतन करके अर्ध पूजन करें। लाल रंग के चंदन या रोली से मिश्रित जल को ललाट के निकट तक ले जाकर उसके द्वारा अर्धपात्र को पूर्ण करें। उसका गंधादि से पूजन करके सूर्य के अंग द्वारा रक्षावगुंठन करें। तत्पश्चात जल से पूजा सामग्री का प्रोक्षण करके पूर्वाभिमुख हो सूर्य देव की पूजा करें। ओम आम हृदयाय नमः। इस प्रकार आदि में स्वर बीज लगाकर सिर आदि अन्य सब अंगों में भी न्यास करें। पूजा ग्रह के द्वार देश में दक्षिण की ओर दंडी का और वाम भाग में पिंगल का पूजन करें। ईशान कोण में गण गणपते नमः इस मंत्र से गणेश की और अग्नि कोण में गुरु की पूजा करें। पीठ के मध्य भाग में कमलाकर आसन का चिंतन एवं पूजन करें। पीठ के अग्नि आदि चारों कोणों में क्रमशः विमल, सार, आराध्य तथा परम सुख की और मध्य भाग में प्रभुत आसन की पूजा करें। उपरुक्त प्रभुत आदि चारों के वर्ण क्रमशः श्वेत, लाल, पीले और नीले हैं तथा उनकी आकृति सिंह के समान है। इन सब की पूजा करनी चाहिए। पीठस्थ कमल के भीतर राम दीप्ताय नमः इस मंत्र द्वारा दीप्ता की, रिम सूक्ष्माय नमः इस मंत्र से सूक्ष्मा की, रुम जयाय नमः इससे जया की, रेम भद्राय नमः इससे भद्रा की, रेंग विभूते नमः इससे विभूति की, रोम विमलाय नमः इससे विमला की, रोम अमुधाय नमः इससे अमुधा की, तथा रम विद्युताय नमः इससे विद्युता की। पूर्व आदि आठों दिशाओं में पूजा करें और मध्य भाग में रम सर्वतोमुखे नमः इस मंत्र से नवी पीठ शक्ति सर्वतोमुखी की आराधना करें। तत्पश्चात ओम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाय सौराय योग पीठात्म नमः इस मंत्र के द्वारा सूर्य देव के आसन पीठ का पूजन करें। तदनंतर खखोलकाय नमः इस षडक्षर मंत्र के आरंभ में ओम हम खम जोड़कर नौ अक्षरों से युक्त ओम हम खम खखोलकाय नमः इस मंत्र द्वारा सूर्य देव के विग्रह का आह्वान करें। इस प्रकार आवाहन करके भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अंजलि में लिए हुए जल को ललाट के निकट तक ले जाकर रक्त वर्ण वाले सूर्य देव का ध्यान करके उन्हें भावना द्वारा अपने सामने स्थापित करें। फिर हिम हिम सम सूर्याय नमः ऐसा कहकर उक्त जल से सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद बिंब मुद्रा दिखाते हुए आवाहन आदि का उपचार अर्पित करें। तदनंतर सूर्य देव की प्रीति के लिए गंध, चंदन, रोली आदि समर्पित करें। तत्पश्चात पद्म मुद्रा और बिंब मुद्रा दिखाकर अग्नि आदि कोणों में हृदय आदि अंगों की पूजा करें। अग्नि कोण में ओम आम हृदयाय नमः इस मंत्र से हृदय की, नैमित्त कोण में ओम भू अर्काय शिर स्वाहा इससे सिर की, वायव्य कोण में ओम भू सुरेशाय शिखाय वशट इससे शिखा की, ईशान कोण में ओम स्व कवचाय हम इससे कवच की, इष्ट देव और उपासक के बीच में ओम हाम नेत्रताय वशट इससे नेत्र की, तथा देवता के पश्चिम भाग में वस्त्राय फट इस मंत्र से अस्त्र की पूजा करें। इसके बाद पूर्वादि दिशाओं में मुद्राओं का प्रदर्शन करें। हृदय, सिर, शिखा और कवच इनके लिए पूर्वादि दिशाओं में धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करें। नेत्रों के लिए गोश्रृंग की मुद्रा बनाएं। अस्त्र के लिए त्राशनी मुद्रा का योजना करें। तत्पश्चात गहों को नमस्कार और उसका पूजन करें। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र से पूर्व में चंद्रमा की, ओम भू बुधाय नमः इस मंत्र से दक्षिण में बुध की, ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र से पश्चिम में बृहस्पति की, और ओम भूम भार्गवाय नमः इस मंत्र से उत्तर में शुक्र की पूजा करें। इस तरह पूर्वादि दिशाओं में चंद्रमा आदि ग्रहों की पूजा करके अग्नि आदि कोणों में शेष ग्रहों का पूजन करें। यथा ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र से अग्नि कोण में मंगल की, ओम शम शनैश्वराय नमः इस मंत्र से नैमित्त कोण में शनैश्वर की, ओम राम रहावे नमः इस मंत्र से वायव्य कोण में राहु की, तथा ओम कैम कैतवे नमः इस मंत्र से ईशान कोण में केतु के गंध आदि उपचारों से पूजा करें। खखोल की भगवान सूर्य के साथ इन सब ग्रहों का पूजन करना चाहिए। मूल मंत्र का जप करके अर्धपात्र में जल लेकर सूर्य को समर्पित करने के पश्चात उनके स्तुति करें। इस तरह स्तुति के पश्चात सामने मुंह किए हुए सूर्य देव को नमस्कार करके कहें, प्रभो मेरे अपराधों और त्रुटियों को आप क्षमा करें। इसके बाद अस्त्राय फट
इस मंत्र से अनुसंहार का समाहरण करके शिव सूर्य कल्याणमय सूर्य देव, ऐसा कहते हुए संहारिणी शक्ति मुद्रा के द्वारा सूर्यदेव के उपसंहर्त तेज को अपने हृदय कमल में स्थापित कर दें तथा सूर्यदेव का निर्माल्य उनके पार्षद चंड को अर्पित कर दें। इस प्रकार जगदीश्वर सूर्य का पूजन करके उनके जप ध्यान और होम करने से साधक का सारा मनोरथ सिद्ध होता है।